वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. और जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि इस मंथ के एंड में ही या फिर थोड़ा सा थर्ड वीक के आसपास हम लोग पुरुलिया जाएंगे, तो आज निकल पड़े हैं पुरुलिया के लिए. आज वैसे हमने सोचा था बहुत सारे राइडर्स जाएंगे, बट जो प्लान होता है वो तो हमेशा होता है नहीं. तो सिर्फ तीन राइडर ही जा रहे हैं, चार राइडर जाने वाले थे. जो पिछले राइड में आपने देखा था आरटीआर 200 में जो बंदा था वो भी जाने वाला था, बट ड्यू टू सम फैमिली इमरजेंसी वो आ नहीं पाया. तो आज हम तीन लोग जा रहे हैं, मैं, सुकांतो दा और क्रिस्दा आ रहे हैं. बट क्रिस्दा का सामने का नंबर प्लेट का कुछ इशू हुआ है तो वो थोड़ा धीरे धीरे आ रहे हैं. मीटअप टाइम था यहाँ पे डानकुरी में 6:30 पे और अभी अराउंड 6:50 हो गया है. तो आज अपने साथ तीन बाइक जो हैं वो है एक R15, एक रेड डोमिनर और एक ग्रीन डोमिनर जो आने वाला है. तो देखते हैं, अभी क्रिस्दा का वेट कर रहे हैं. क्रिस्दा आएंगे तो फिर निकलेंगे. और अपना ये 2 nights 3 days का ट्रिप हो रहा है. देखते हैं वहाँ पे स्टे करेंगे, कुछ नेशनल यूथ एक कुछ एक होटल है वहाँ पे स्टे कर रहे हैं. लेट्स सी, अभी यहाँ से हम लोग डायरेक्ट रुकेंगे शक्तिगढ़ पे ही डायरेक्ट रुकेंगे. ज़्यादा ब्रेक्स लेंगे नहीं, तीन ब्रेक में ही ख़त्म कर लेंगे. अराउंड 350 kilometers है यहाँ से. तो चलो मिलते हैं अभी सीधा एक्शन. डानकुनी क्रॉस करने के बाद मैंने शूट किया नहीं, क्योंकि वही सेम NS2 है, हर वीडियो में देखा हुआ है. तो वैसा कुछ रोड दिखाने लायक था नहीं. तो हमने पहले सोचा था दिखाने लायक था, वो एक इंसिडेंट था. हाँ, वो इंसिडेंट था, उसके बारे में बात ना करें तो सही है. एक्चुअली रास्ते में एक मतलब दो बाइकर्स का क्रैश हो गया था, थोड़ा सा छोटा मोटा. तो हम लोग रुके थे साइड में और उनको हेल्प करने गया था. मैंने स्टैंड लगाया बट स्टैंड ढंग से लगा नहीं और मेरा बाइक भी पलट गया. तो वो थोड़ा सा एक हो गया था केस. हमने पहले सोचा था हम शक्तिगढ़ में रुकेंगे, बट फिर वहाँ पे रुकने का मतलब इतना भूख लगा नहीं था. हमने सोचा थोड़ा सा और खींच लेते हैं, कि जितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर होगा. तो अभी हम लोग बर्धमान क्रॉस करके 5-6 kilometers बाद यहाँ एक होटल में रुके हैं, होटल फूड पॉइंट. यहाँ अपने बाइक्स लाइंड अप है. अभी यहाँ हल्का फुल्का कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर निकलते हैं. फिर देखता हूँ कुछ सीनिक अगर दिखाने लायक हुआ रास्ते में तो वो शूट करूँगा, वरना फिर मिल के वहीं पर डायरेक्ट पुरुलिया में घुस के मिलेंगे. चलो चलते हैं. सो गाइज, अभी उस ब्रेक के बाद अभी हम लोग थोड़ा आगे आए हैं. अभी है हम पे पानागढ़ क्रॉस करने के बाद दुर्गापुर जाते रहे हम, जो टोल आता है अभी हम उस टोल पे हैं. घर से अराउंड 170 kilometers हो गए हैं और 150 kilometers होगा शायद, देखते हैं. अभी रास्ते तो बहुत स्मूथ है, एकदम स्मूथ राइड हो रहा है, अच्छे स्पीड मेंटेन कर रहे हैं. एक तो कम राइडर्स हैं इसलिए इतना जल्दी जल्दी मतलब डिस्टेंस कवर हो जा रहा है. ज़्यादा राइडर होते हैं तो थोड़ा सा फिर मैनेज करने में दिक्कत होता है. देखते हैं अभी यहाँ से निकलेंगे, निकल के अभी नेक्स्ट स्टॉप जहाँ पे लेते हैं वहाँ पे मिलते हैं फिर. तो लास्ट स्टॉप के बाद अभी हम लोग आसानसोल में हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं पुरुलिया 80 kilometers. तो अभी यहाँ से और 80 kilometers हैं. अभी यहाँ पे रुके हैं, बस फोटो सेशन चल रहा है. वो रहे अपने क्रिस्दा बाइक से फ़ोटोज़ लेते हुए. निकलते अभी 80 kilometers है तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं. अभी शायद एक छोटा सा चाय ब्रेक लेंगे, फिर सीधा मिलते हैं पुरुलिया में. देखो हम लोग अभी कहाँ पे हैं, यहाँ सनसेट, यहाँ क्रिस्दा और ये सारे हिल्स.
देखो इसदा कैसा लग रहा है, लाजवाब। हाँ ये अपने बाइक्स लाइंड अप है, डोमी, दूसरा डोमी और अपनी चमक छल्लू। फाइनली रीच्ड आवर होटल और ये रहा अपना रूम और ये रहे अपने पॉपुलर क्रिस्दा। ये अपना रूम काफ़ी डिसेंट है कंसिडरिंग द प्राइस। ये अपना टीवी चलेगा, टीवी में कुछ है, टाटा स्काई लगा हुआ है, देखते हैं, गवर्नमेंट है तो चलेगा। और वॉशरूम ठीक है, डिसेंट है कंसिडरिंग द प्राइस, ठीक ही है क्यों क्रिस्दा? तो अभी तो और कुछ शूट करने का है नहीं, जितना भी आपने देखा इसके बाद आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। कल हम लोग जाएंगे अच्छे अच्छे लोकेशन में, तो वहाँ का शूट करेंगे, तो वो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। ये एपिसोड में यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर पसंद आया तो पक्का से लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और क्रिस्दा का तो अभी बोल के फायदा नहीं, उनका तो 1000 सब्सक्राइबर हो गए, तो उनको क्रिस्दा का भी सब्सक्राइब करो प्लीज, डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट हिज चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।